देखो बाबू, जैसे मान लो दो सेट लेते थे ए, सेट लेते थे बी, और उसमें से तुम्हारा जब रिलेशन लिखता था तो आर हम लोग ऐसे लिखते थे ए टू बी, इसी सेट में जब फंक्शन होता है ना तो उसको ऐसे लिखते हैं एफ ए टू बी। कैसे लिखते हैं फंक्शन? ए टू बी, सिर्फ आर की जगह एफ। या तो हम लोग देखो क्या करेंगे, समझो जैसे एक मिनट में बता रहे हैं, अब इसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो कि ये एक सेट ए, ठीक है। अब वहां पे हम लोग क्या किए, एक सेट ले लिए 1 2 3, क्या ले लिए 1 2 3। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, नंदन फंक्शन ऐसे भी दिखाते छोटा से, ये टू ए में, कहां से फंक्शन तुम्हारा कहता है द सेट ऑफ ऑल ए बी, द सेट ऑफ सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, जहां पे तुम्हारा ए बी बिलोंग्स करेगा ए में। नहीं, कुछ रिलेशन में ऐसे लिख रहे हैं। तो अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो एफ जब वन रखे, क्या रखे one. तो क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब लेस देन इक्वल टू करेंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा 1 2 आएगा, 1 3 भी आएगा। तो जब इसको ग्राफ में देखेंगे तो 1 का 2 हो गया, नहीं जाएगा, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। खैर चलो अभी फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो समझाने की कोशिश किए थे, फिलहाल आगे देखो। अगर मान लो ऐसा कर देते हैं, एक फंक्शन एफ लेते हैं द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, तो उस केस में हो सकता है ना 1 1 से रहेगा, 2 2 से रहेगा, और 3 3 से रहेगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, अभी आगे बताएंगे। देखो होता क्या है, जब हम लोग इस तरह से फंक्शन का बात करते हैं तो जब हम लोग पूरा मैथ में पढ़ेंगे तो होगा रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या बोलेंगे उसको, अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये तुमको बताते हैं। देखो जब देखो जब हम लोग बात करते हैं आर और ऑन ऑफर्ट्स सब्सिट रेंज, देखो सीधा जान लो कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो होता है तुम्हारा, हम लोग पूरा मैथड जो फंक्शन पढ़ेंगे वो तुम्हारा रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो समझ लो, जो फंक्शन का बात करते हैं, जो नंबर्स के बीच फंक्शन हो, जो बीच के ना क्या हो, नंबर्स के बीच फंक्शन, उसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। एक सिंपल सा बात हो गया, जैसे एक फंक्शन एफ R टू R, R जहां का रियल नंबर, रिलेशन नहीं, R क्या है यहाँ पे रियल नंबर, तो उसको कहेंगे एक रियल वैल्यूड फंक्शन। या फिर समझ करो 1 से 10 तक बात की, तो पूरा रिलेशन तो उसमें नहीं लिए, तो जो रेंज होगा, जो क्या हो जाएगा, अगर सबसेट हो R का, जैसे समझ करो कि एक नंबर है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10, तो ये क्या आर का सबसेट नहीं है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई दिक्कत है, बोलो। अब देखो हम लोग थोड़ा सा स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ फंक्शंस पे चलते हैं और उसके ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम तुम लोग यहाँ पे ये बता देते हैं कि जैसे सपोज करो एक हम लोग फंक्शन लिए, क्या लिए, जैसे एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कहाँ पे नेचुरल नंबर। और वो फंक्शन तुम्हारा कैसा है, वो फंक्शन है ऐसे लिख दो इसको, फंक्शन एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए बी, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ये स्क्वायर इज इक्वल टू बी, और ए बी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत है। तो ये तुमसे पूछेगा, अच्छा एक काम करो, ये रिलेशन है, ये क्या है, ये फंक्शन है, कि तुमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर का अगर एक सेट बनाएंगे और इधर से क्या करेंगे, एक और नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे, तो एन टू एन में एक रिलेशन हम लोग चेक करना है, ये फंक्शन है कि नहीं हमको देखना है। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं, सपोज करो 1 रखे, सपोज करो फंक्शन में हम लोग 1 रखे, क्या रखे 1, तो ये स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए B. तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तुम्हारा। सॉरी यार ऐसे करो यार, ये स्क्वायर भी मत करो, ये भी ए बी स्क्वायर, ये बराबर बी स्क्वायर करो, ठीक ना, नहीं एक मिनट को, तो ए स्क्वायर बराबर बी, हाँ ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर बी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए
एक मिनट रुको, ये स्क्वायर ये बराबर हाँ करो तो देखो बाबू यहाँ वन रखे तो वन आ गया, टू रखो नेचुरल नंबर एक दो तीन चार होता है तो यहाँ फोर हो जाएगा, तुम भी सोचो थ्री रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा नाइन, फोर रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा सिक्सटीन, फाइव रखो तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। जब लोग इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बढ़ाते जाते हैं नेचुरल नंबर को तो यहाँ भी तुम्हारा एक दो तीन सब बढ़ते जाएगा। जब वन करें एक से रिलेटेड हो गया, दो तुम्हारा चार से रिलेटेड होगा, तीन जो तुम्हारा कहीं नौ से होगा, पांच जो तुम्हारा वो कहीं पच्चीस, चार कहीं सोलह से होगा, पांच कहीं पच्चीस से होगा, छह कहीं छत्तीस से होगा। देखो तो प्रत्येक किलोमीटर तो रिलेटेड है, कोई छूटे ना। पहले बताओ क्यों ना लोग 900 पे चले जाएंगे तो 900 का भी कोई ना कुछ स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक गया, ये भी इन्फिनिटी तक गया, नहीं गया मैं समझी। तो एक भी इलेमेंट छूटेगा क्या? दूसरा क्या ऐसा कोई दो इलेमेंट होगा जिसका सेम होगा? नहीं, इसमें तो नहीं होगा। पर एक बात बोलो, अगर ऐसा होता मतलब समझ करो ये तीन, तीन का एक को और होता तब ये फंक्शन नहीं होता, नहीं ना होता, नहीं समझी। तीन का दो इमेज हो तो होता क्या फंक्शन? नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सब सिंगल चल रहा है। पर ऐसा हो तो चल सकता, इससे कोई फर्क नहीं। याद रखना फंक्शन हमेशा राइट एरो वाला में होता है, जैसे इस केस में राइट एरो शो कर रहा है, मतलब इधर का दो है, एक का दो है। पर लेफ्ट एरो अगर दिखा रहा हूँ जैसे इधर का दो है तो ये फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फंक्शन, कोई दिक्कत है बोलो। और एक चीज बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये फंक्शन दिखाएं तो ये तो देखो तो हम बताए थे जब अभी कि रियल वैल्यूड फंक्शन था नंबर्स के बीच होता है, तो ये भी तुम्हारा नंबर हो गया, ठीक है ना। चलो हो गया। जैसे देखो बाबू सपोज करो कि हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करो एक रिलेशन हम लोग पास क्या है, आर, ठीक है, और ये रिलेशन है एक सेट ए पे और ये का वैल्यू है सपोज करो वन टू थ्री। क्या है वैल्यू? वन टू थ्री, ये क्यों दे दिए? वन टू थ्री, ठीक है। ये रिलेशन ऐसा, ज्यादा ध्यान देना, वन टू, ठीक है ना, टू टू, ठीक है ना, थ्री टू, ठीक है। और फिर तुम्हारा एक हम लोग रिलेशन ले सकते हैं, ठीक है ना, मान लो एक मिनट सपोज करो एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है, तो इसको चेक करना ये फंक्शन है या नहीं। ये R1 है, चलो R2 पे चलते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, वन वन है, ठीक है ना, टू थ्री है, ठीक है, टू टू है और टू वन। हम लोग को देखना है इसमें कौन सा रिलेशन फंक्शन है, तो R1 को जरा बना तो ग्राफ, एक दो तीन, दूसरा है फिर से एक दो तीन, क्योंकि ये एसी में है। वन किस से? टू से। टू किस से? थ्री किस से? टू से। एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वन किस, वन टू थ्री, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वन टू थ्री, वन किस से? वन से। टू किस से? टू किस से? टू किस से? थ्री किस से? ये सो थ्री कर दो, थ्री किस से? वन से, ठीक है। इसमें कौन सा फंक्शन है? इसमें से बोला कि सबसे पहले एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, चलो छूटा तो नहीं। दूसरा बोला कि प्रत्येक का एक इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए। वन का कितना इमेज है? दो का, तीन का, ये इधर है रोला दहना साइड वाला, मतलब ये है। इसमें बात करो एक भी इलेमेंट छूटना नहीं चाहिए, चलो नहीं छूटा, प्रत्येक का एक इमेज होना चाहिए। इसका एक का कितना इमेज है? दो का कितना इमेज है? दो और तीन, दो इमेज है इसका, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये कर लोगे, ठीक है ना। बाबू तो हम लोग यहाँ पे देखे फंक्शन, ठीक है, अब हम चलते हैं सम स्पेशल काइंड्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, कुछ कुछ स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। तो आवाज नहीं जाएगा तेरा। देखो सबसे पहले एक बात देखो, जैसे कि हम लोग जो फंक्शंस पढ़ने जाने, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, क्या होगा वो? रियल नंबर टू रियल नंबर के बीच होगा या तो उसके सबसेट्स के बीच होगा, कम से कम उसका ही एक सबसेट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं, कोई एक फंक्शन लेते हैं f, वो है तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर, कोई दिक्कत है बोलो। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि सपोज करो हम लोग देखे थे यहाँ पे कि कोई भी x के लिए कोई भी एक नंबर हमको मिलता है y, तो इसको ध्यान देना y बराबर fx भी लिखते हैं, याद करो,
है ना, तो जो एक्स होगा मतलब जो नंबर यहाँ पे पुट होता जाएगा, जो उसका वैल्यू मिलता जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये डोमेन होगा, तुम ही सोचो, नहीं होगा बोलो, और ये तुम्हारा जो बनेगा वो रेंज होगा पक्का। समझाते कैसे, जैसे देखो सपोज करो कि दो सेट है, ठीक है ना, एक है तुम्हारा 1 2 3 4 और दूसरा तुम्हारा है मान लो 1 2 3 4। जैसे देखो ये किसी भी तरह से रिलेटेड है, ये किसी भी तरह से ध्यान देना, जैसे ये भी मान लो 3 भी मान लो 2 से है और 4 भी सपोज करो तुम्हारा 3 से, ठीक है। तो जब लोग एफ लिखते हैं यहाँ पे ऐसा देते हैं, तो 1 के लिए 1 का रिलेशन कौन है 3, 2 का कौन सा है 2 का 1 है, 3 का कौन सा है 2 है, और 4 का कौन सा है 3। देखो एक भी एलिमेंट छूटा नहीं, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि एक एलिमेंट छूटा नहीं, सबका एक से ज्यादा इमेज नहीं है, इधर का तो प्री इमेज हो सकता है, एक से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डोमेन है वो देखो तो ये है, इसको डोमेन कहेंगे ना, जो रिलेटेड है, याद करो इस रिलेशन में ऐसा होता है जब, तो इसको ए बी कहते हैं, यहाँ से फंक्शन लिख दो क्योंकि ये फंक्शन है रिलेशन, तो तुम्हारा ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो तुम्हारा यही होगा जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, तो रेंज में तुम्हारा अगर हम देखें यहाँ पे बात करें तो रेंज में भले इस सेट में हमको क्या दिख रहा है 1 2 3, मतलब 3 दो बार लिखने को फायदा तो है नहीं, तो 4 छूट गया कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो जो कोई भी नंबर के लिए जब हम लोग एक्स बढ़ाते जाएंगे तो वाई कुछ अलग आते जाएगा, सेम भी आता कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहलाता है इसका क्या रेंज, और ये क्या कहलाता है जो वहां पे पुट होगा, या हम लोग अगर ऐसा लिख रहे हैं समझ करो एफ एक्स बराबर वाई, तो ये तुम्हारा डोमेन हो गया और ये तुम्हारा रेंज हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा ये था अभी और बता रहे हैं। देखो तो हम लोग का सम स्पेशल फंक्शंस में जो पहला फंक्शन है वो है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन, वो तुम्हारा क्या है देखो आइडेंटिटी फंक्शन, ध्यान देना हम लोग यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, एक जो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच हो, जो रियल नंबर से और अगर उस फंक्शन में वाई बराबर एफ एक्स है, अगर उस फंक्शन में वाई बराबर एफ एक्स है तो एक्स बराबर वाई होगा, एक्स बराबर वाई, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग एफ वन रखेंगे तो यहाँ भी वन ही आएगा, सोचो क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या आना चाहिए, तो यहाँ जो रख रहे वही आना चाहिए। अगर मान लो हम लोग एफ टू रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मान लो एफ 2.2 रखते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा 2.2। चलो हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफ बनाने का, क्या बात करते हैं इसका, जैसे देखो हम लोग जानते हैं, पहले तुमको हम इससे पहले एक चीज बता देते हैं, इससे पहले हम तुम्हें एक चीज बताते हैं, वो है तुम्हारा कि देखो जो वाई होता है, जो वाई होता है वो तो तुम्हारा रेंज है और जो एक्स होता है वो डोमेन है, तो ये जो एक्स एक्सिस है वो किसका होगा डोमेन वाले का, और जो वाई एक्सिस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा रेंज वाले का। हम लोग जानते हैं यहाँ ओरिजिन होता है, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा हम ओरिजिन को इधर दिखा रहे हैं कुछ काम है, और ये जो तुम्हारा नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 वैसे करके इसी तरह ऊपर भी होता है, नहीं होता बता कोई दिक्कत। तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो x बराबर y होना चाहिए इस फंक्शन में। अगर मान लो यहाँ 1 लेते हैं तो ये भी क्या होगा 1, 0 लिए तो 0, अगर 2 लेते हैं तो ये भी 2 बढ़ जाएगा यहाँ पे ऐसा, अगर 3 लेते हैं तो 3 बढ़ जाएगा यहाँ पे, 4 लेते हैं तो 4 बढ़ जाएगा यहाँ पे, और अगर माइनस में लेते हैं 1 तो ये भी माइनस में नीचे घिसकेगा, बस कुछ समझ रहे हो मेरा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, नहीं बढ़ेगा बोलो। तो अगर पॉइंट में लेते 2.5 यहाँ भी यहाँ होता 2.5 तो यहाँ पॉइंट, तो प्रत्येक पॉइंट के लिए ये सब बराबर बढ़ेगा। तो जब हम लोग इस लाइन को अगर मिला दें, इस लाइन को अगर मिला, तो तुमको लगता है ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान देना लाइन यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर कहने का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं होगा बोलो, यानी कि ये 45 डिग्री पे झुका होगा, कोई दिक्कत है बोलो। तो इस लाइन को इस हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कह देंगे, इस लाइन को लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे, यानी कि उसको लिखेंगे कि y बराबर एफ एक्स सच दैट x इज इक्वल टू y, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, ये उसका ग्राफ हो गया। देखो यहाँ पे एक थोड़ा चीज तुमको बताते हैं, अगर मान लो y बराबर एफ एक्स है क्या तुम्हारा सच दैट y बराबर माइनस एक्स, y बराबर यानी कि जब ये 1 रहेगा तो ये क्या रहेगा माइनस 1, तो भी सोचो x को 1 रख दो तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो ये तुम्हारा 1 है तो ये इधर हो जाएगा, अगर ये 2 रखेगा तो क्या जाएगा माइनस 2,
मतलब ये टू के लिए इधर हो जाएगा, थ्री के लिए यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन कुछ तुमको लगता है ऐसा बनेगा? नहीं, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा वाई बराबर एफ एक्स सच दैट वाई बराबर माइनस एक्स। ध्यान देना, वाई बराबर माइनस एक्स लिखो या एक्स बराबर माइनस वाई लिखो, माइनस साइन इधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा है, कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहलाता है? याद करो आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें था कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। इस फंक्शन में प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही है, दो दो से ही है, तीन तीन से ही है, माइनस दस से ही है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। देखो बाबू, तो हम लोग अगला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। देखो अच्छा, एक बात बोलो, कांस्टेंट मतलब वैसा होता है जो नहीं बदलने वाला? हाँ। जो नहीं बदलने वाला। देखो एक फंक्शन, एक वो रियल नंबर टू रियल नंबर में कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। यदि वाई बराबर एफ एक्स जो होगा, कुछ भी था कि नहीं, वो एक हमेशा कांस्टेंट देगा, मतलब के, मतलब तुम एक्स कुछ भी रखो वो वैल्यू नहीं बदलने वाला है। कोई दिक्कत है? बोलो। जैसे इस केस में देखो, हम लोग बात करते हैं कि एक एक मोटरसाइकिल है, वो खड़ा है। एक मोटरसाइकिल क्या है? खड़ा है। तो हम बात करते हैं, टाइम को लेते हैं एक्स एक्सिस पे और मोटरसाइकिल को स्पीड को लिए वाई एक्सिस पे। तो टाइम बढ़ते जाएगा, स्पीड में कुछ चेंज आएगा? स्पीड हमेशा जीरो पे ही रहेगा? नहीं रहेगा। बोलो, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा है। स्पीड अगर 10 पे रहता तो सिर्फ 10 पे ही रहता, टाइम तो बढ़ जाता। यहाँ पे कांस्टेंट के लेते हैं, क्या लेते हैं? देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो यहाँ शॉर्टकट में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा x डैश है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा y डैश है। देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है। जब हम लोग बात करते हैं कि एक कांस्टेंट, तो सपोज करो हम लोग क्या करते हैं कि पांच लिए, क्या लिए? ये पांच, इसका वैल्यू जीरो है। हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स का वैल्यू वन पुट किए दिया पांच, टू पुट किए दिया पांच, तीन पुट के दिया पांच, चार पुट के दिया पांच। तो प्रत्येक पॉइंट के लिए एन के लिए यहाँ, टू के लिए यहाँ, थ्री के लिए यहाँ, फोर के लिए, ये तो वैल्यू बदल नहीं रहा है, बढ़ घट रहा है क्या? बोलो, इधर निगेटिव में जाएंगे तो भी यहीं पे। बात समझ रहे कुछ हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं होगा? बोलो। अब डिपेंड करता है कि के पांच है कि माइनस पांच है, कि तीन है कि माइनस तीन है, कि पॉइंट फाइव है, क्या है, फलना देखना। कोई दिक्कत है? बोलो। तो यहाँ पे वाई बराबर एफ एक्स बराबर हम लोग के लिख सकते हैं। हाँ। या फिर इसको सिंपल लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर फाइव, क्योंकि हमारे केस में ये वैल्यू क्या है? फाइव है। तो ये तो कहीं भी एक लाइन होगा जब कांस्टेंट का बात करेंगे तो, जिस जगह का वैल्यू ले। ये तुम्हारा एफ एक्स बराबर सपोज करो इस केस में माइनस पांच है, ये तुम्हारा एफ एक्स बराबर सपोज करो माइनस टू है, ये तुम्हारा एफ एक्स बराबर माफ करो माइनस एट है। यहाँ पे लेते हैं तो एफ एक्स बराबर तुम्हारा टू है, कि ऊपर ऊपर लिए पॉजिटिव में आएगा। तो ये तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, ये सारी चीज रिकॉर्डिंग में जा रहा है इसलिए भूलना मत, ठीक है? देखो अब हम लोग एक अगला बात करते हैं, वो होता है तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है तुम्हारा जैसे देखो बाबू, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है तुमको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। देखो समझो, पॉलिनोमियल फंक्शन नाम है, क्या तुम्हारा नाम है? देखो ये भी फंक्शन जो तुम्हारा होगा वो रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये फंक्शन में क्या खासियत है ये तुमको हम बताते हैं। देखो इस फंक्शन में क्या खासियत होता है कि y बराबर एफ एक्स जो होता है, y बराबर वो होता है तुम्हारा क्या? देखो जैसे कि मान लो हम लोग बात करते हैं, एक कॉन्स्टेंट ले लिया, क्या ले लिया? ये ले लिया नॉड प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन। ये कुछ समझ नहीं आएगा तुमको, ठीक ना? पर हम बता रहे क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो थोड़ा सा इक्वेशन टाइप के फॉर्म में रहे, इक्वेशन टाइप के। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा तुमको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो हमारा फंक्शन है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या तुम्हारा? तो यहाँ कुछ नहीं तो वन है। देखो तो ये फंक्शन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कैसे? कांस्टेंट का जगह वन प्लस यहाँ पे जीरो। ध्यान देना हम कुछ बताना चाह रहे हैं, जीरो और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा एक्स का पावर टू, रुको ना, वन प्लस तुम्हारा वन एक्स का पावर टू। देखो समझाते हैं, वन का पावर टू, ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये वन ए टू ए थ्री कोई नंबर होगा। इस केस में तुम्हारा यहाँ वन है, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो है, क्योंकि वन का पावर लेस कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं, वन है ना।
ये तो जीरो रख दिए, पर टू का पावर पे गए तो यहाँ तो एक नंबर मिला और टू का पावर कुछ मिल गया, तो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, कोई दिक्कत है? बोलो ना। एक हम लोग दूसरा लेते हैं वाई बराबर, सपोज कर ऐसा ले लिया जानबूझ के 3x³ + 2x + 5 ऐसा ले लिया, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो इसको जीरो वाला फॉर्म में ले आएंगे और ये तुम्हारे इस फॉर्म में, बस हम कहना चाहते हैं कि वो ये तुम्हारा इस फॉर्म में होगा, कोई दिक्कत है? बोलो। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि वाई बराबर हम लोग वो वाला पकड़ते हैं, तो सपोज करो इस इक्वेशन को ले, इस फंक्शन को ले, ठीक है, तो जब हम लोग एफ वन रख देंगे, क्या रख देंगे, चलो जीरो से चलते हैं, एफ जीरो रख दिए तो क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर प्लस वन मतलब क्या वन, जब हम लोग एफ वन रखे क्या रखे तो ये क्या जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन क्या जाएगा टू, जब लोग एफ टू रखे तो तुम्हारा क्या जाएगा बोलो, चार प्लस वन पांच, मतलब टू का स्क्वायर प्लस वन क्या जाएगा फाइव, मतलब हम लोग जब एफ यहाँ पे क्या रखते थ्री तो क्या जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस वन मतलब दस, बात समझ लो कुछ हम क्या करने जा रहे हैं, तो इस तरह हम लोग का वैल्यू मिलता जाएगा। जब हम लोग इसको ग्राफ में खींचेंगे, जब हम लोग इसको क्या करेंगे तो ध्यान देना जरा, जैसे देखो ग्राफ जरूरी नहीं कि एक एक सीक्वेंस बनाता हो, वो ग्राफ तो ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे किसी भी तरह हो सकता है, नहीं सकता बोलो। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सपोज करो तुम्हारा जैसे इस केस में ग्राफ को बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ओरिजिन है वन रखे तो इसी पे रहा वन पे ही रहा, सॉरी जीरो रखे तो वन पे रहा, तो स्टार्ट होगा ग्राफ यहाँ से, ध्यान देना जीरो पे वन और वन पे टू मतलब यहाँ, ध्यान देना इसका टू यहाँ पे, जब हम लोग टू पे गए तो ये फाइव पे चला गया और ऊपर चला गया, तो ग्राफ था ऐसे उठते हुए चला जाएगा, नहीं बोलो यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि जीरो पे वन वैल्यू दे दिया, बात समझ लो, जब इसका हम लोग पॉजिटिव लगा तो हो सकता है इधर जाए मे भी हो सकता है, तो ये तुम देख रहे अपना पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है तुमको हम बता रहे हैं। अब हम लोग कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ठीक है, देखो बाबू जैसे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि y बराबर क्या एक्स स्क्वायर, चलो काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एक निकालते हैं f जीरो रखे क्या रखे जीरो. तो जीरो का स्क्वायर जीरो, f वन रखे one. तो क्या हो जाएगा वन, एक काम करो f टू रखो four. f थ्री रखो nine. f फोर रखो सिक्सटीन, थोड़ा सा ये तुम लोग एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, वन टू थ्री बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव में देख लेते हैं ताकि ग्राफ इधर का भी पकड़ने में मजा आए, ठीक है, तो जीरो तो लेंगे नहीं, वन से लेते हैं तो एफ माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, वन का स्क्वायर करो वन ही आएगा, एफ माइनस टू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस थ्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा नाइन, और एफ सिक्सटी माइनस फोर लेते तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन, मतलब माइनस में लो या प्लस में लो वैल्यू सेम आ रहा है। एक काम करो अब इसका ग्राफ फिर चलो, सपोज करो कि ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा इसका एक्सट्रेस वैल्यू हो गया, और जैसे कि इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ये तुम्हारा हो गया वाई वाई डस, और ये तुम्हारा क्या है ओरिजिन, ध्यान देना जब हम लोग इसका वैल्यू ले रहे हैं जीरो पे तो ये कितना दे रहा है जीरो, तो वैल्यू यही रहा, वन पे गए तो ये भी कहाँ गया वन पे मतलब यहाँ पे आया, टू पे चलते हैं क्या चलते हैं तो ये किस पे चला जाएगा, मतलब एक दो तीन चार कुछ यहाँ चला जाएगा, बात समझ ध्यान देना, जब लोग थ्री पे गए तो ये कहाँ चला जाएगा नाइन पे, मतलब लगभग कुछ यहाँ आएगा नाइन पे, कुछ समझ रहे हो, जब लोग फोर पे गए तो सिक्सटीन पे कुछ यहाँ चला जाएगा लगभग, तो ये ग्राफ अगर तुम देखेगी तो कुछ ऐसा बनता जाएगा, नहीं बोलो बात समझ रही है, जब लोग निगेटिव में जाएंगे तो भी वैल्यू वही बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा घूम जाएगा डायरेक्ट, नहीं बोलो कुछ समझ रही है बात मेरा, निगेटिव नहीं आएगा, माइनस वाई का वैल्यू कहने दे रहा है, स्क्वायर करते हैं कोई भी चीज पॉजिटिव हो जाता है, नहीं था बोलो, चाहे माइनस चार का करो चाहे चार का करो देगा तो सिक्सटीन या स्क्वायर करेंगे तो नहीं, तो इसलिए इधर ले चाहे इधर ले दिया ऊपर है नीचे के तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत है बोलो, तो ये है तुम्हारा क्या वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, कोई दिक्कत है बोलो, अगर कोई ऐसा बोलते वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो वाई बराबर माइनस, तो हम लोग क्या करते जो भी चीज आ रहा है उसमें माइनस लगाते जाते हैं, तो वन आया तो माइनस वन लगे तो देखो बाबू
अगर y बराबर माइनस x स्क्वायर रखो ग्राफ बोलता तो जितना मुझे सब माइनस लगते जाता, यानी कि 1 के लिए जो 1 दिया इवन के लिए माइनस 1 देता, 2 के लिए जो 4 दिया इवन के लिए माइनस 4 देता, तो ये ग्राफ सीधा ऐसे पलट जाता मिरर की तरह, नहीं बोलो। तो ये है तुम्हारा y बराबर x स्क्वायर और ये है y बराबर माइनस x स्क्वायर, खुद ही कहते बोलो। ये देखो x एक्सिस काम किया इसके मिरर की तरह और पलट दिया ग्राफ को, नहीं तो ये था तुम्हारा y बराबर x स्क्वायर और y बराबर माइनस x स्क्वायर। देखो बाबू एक हम लोग और फंक्शन लेते हैं y बराबर एफ एक्स सच दैट यहाँ पे x स्क्वायर करके x क्यूब ले लिए, क्या कि तो हम लोग देखो जरा f अगर 0 रखते तो 0 का क्यूब 0, f अगर 1 रखेंगे तो 1, f अगर 2 रखेंगे तो 8, f अगर 3 रखेंगे तो 27। ये तो और स्पीड भाग रहा।